वेलकम टू आवर चैनल BHU पाठशाला। हम लोग दिल्ली सल्तनत का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम लोग गुलाम डायनेस्टी की बात कर रहे थे और जस्ट इंट्रो में खिलजी तुगलक सैयद और लोदी की बात कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग गुलाम डायनेस्टी की बात कर रहे थे। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहराम सता का पढ़ा हुआ था, ठीक है। बहराम शाह के बाद बहराम शाह को हम फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। रजिया तक का ऑल ओवर टॉपिक अच्छे से फिनिश हो गया था। लास्ट टॉपिक जो बचा था कि रजिया के सिक्कों पे क्या उल्लेखित था, ठीक है। रजिया ने अपने सिक्कों पे उन्मत उल निवास कराया था, ठीक है। रजिया के सिक्कों पे हम लोगों ने देखा है उन्मत अल निस्वा, ठीक है। रजिया ने अपने सिक्कों पे उसे उल्लेख कराया था। अब हम बात करेंगे बहराम शाह की, ठीक है। रजिया के जस्ट बाद जो शासक बन रहा है वो बहराम शाह बन रहा है और रजिया के टाइम पीरियड में ही बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है, रजिया का भाई है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये रही है कि रजिया की जो मृत्यु हो रही है वो बहराम शाह के टाइम पीरियड में ही हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम बहराम शाह की बात कर लें, बहराम शाह की बात करें तो बहराम शाह ने अपने साम्राज्य में एक नया नायाब, ये मुमलकात मोस्टली हम लोग नायाब वर्ड से ज्यादा यूज करते हैं, एक नायाब का नायाब ये कात, ठीक है, इसका नायाब पद बनाता है। और बहराम शाह के टाइम पीरियड में जो सेंटर पावर है वो तीन भागों में विभाजित हो जाती है। पहली जो पावर रही है वो सिर्फ सेंटर में सुल्तान के पास हुआ करती थी, ठीक है। जो भी सुल्तान बनता था पूरा सेंटर पावर जो है वही यूज करता था, ठीक है। लेकिन बहराम शाह के टाइम पीरियड में ये जो सेंट्रल पावर है, सुल्तान की जो ताकत है, वो तीन भागों में बढ़ जाती है। तीन भागों की बात करें तो पहला नायाब की पास चली जाती है, दूसरा वजीर, और तीसरा इस पावर को जो यूज कर रहा है वो सुल्तान खुद है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि जो तीनों की पोजीशन है वो इक्वल, मतलब सुल्तान के बराबर ही है। नायाब और वजीर जो है इनकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये सुल्तान के बराबर हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है कि बहराम शाह ने इस नए पद का ही सृजन किया था, ठीक है। और जो इस नए पद पे बैठने वाला प्रथम व्यक्ति था वो इख्तियारुद्दीन एतगीन था। एतगीन था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो इख्तियार एतगीन है, एतगीन के पावरों को सब बढ़ रही है, इससे बहराम शाह को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पहले सुल्तान है जो सारी चीजें उसके अंडर में होती थी, अब ये सारी चीजें जो प्रशासन चल रहा है वो अब इन दोनों के सलाह पे भी चल रहा है, ठीक है। तो प्रशासन का जो मेन कंट्रोल है वो सुल्तान के हाथों से आके वजीर और नायाब के पास आ जाता है। दूसरी चीज ये इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम जो बहराम शाह को मोस्टली जो मतलब एक पेन हो रहा है मेन चीज का, कि जो उसके पावर का है वो तो चीजें हो रही, जितनी फैसिलिटी सुल्तान को मिलती थी, ठीक है, जैसे सुल्तान छत्र का प्रयोग करके चलता था, आपने वो देखा होगा मोस्टली, एक जब सुल्तान चलते हैं तो ऐसे ऐसे करके एक छाता जैसे उनके अंगरक्षक लेके चलते हैं, ठीक है, और सुल्तान इसकी छाया में चलते हैं, तो इसे छत्र कहते हैं, ठीक है। इस छत्र का उपयोग जो है वो नायाब और वजीर भी करने लगे थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो भी फरमान जारी होते थे, जिन फरमानों के बारे में राजा सुल्तान के साइन और मोहर लगा करते थे, उस पे इनके भी लगने लगे थे। तो इस घृणा से, हालांकि इस पद का सृजन जो है वो बहराम शाह ने स्वयं खुद किया था, लेकिन इस पद पे जब इतगीन स्थापित होता है, ये प्रथम व्यक्ति है जो इस पे स्थापित हो रहा है, इसने बहराम शाह ने खुद ही इसकी हत्या करा दी, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इसकी शक्तियां, क्योंकि भाई वो सुल्तान है, उसकी पावर किसी और पर्सन के साथ अगर शेयर होगी तो कोई भी सुल्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, फिर उसका वो निरंकुशवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए बहराम शाह ने इसकी हत्या करा दी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट रही है बहराम शाह के टाइम पीरियड में, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं
कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ है, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में चंगेज खास स्वयं मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पर तक आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए चंगेज खां से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। रजिया के टाइम पीरियड में नहीं हुआ, इल्तुतमिश के भी टाइम पीरियड में नहीं हुआ, लेकिन बहराम शाह के टाइम पीरियड में ताइर बहादुर का आक्रमण हो रहा है। किसका आक्रमण हो रहा है ये चीज ध्यान रखेंगे, तो ये मंगोल में ताइर बहादुर का आक्रमण हो रहा है। किस क्षेत्र में हो रहा है ये चीज ध्यान रखिएगा, तो ये उत्तर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र है, मंगोलों का आक्रमण हो रहा है लाहौर में। ठीक है, लाहौर के क्षेत्र में ताइर बहादुर का आक्रमण हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम जो मंगोल आक्रमण है वो इसी के टाइम पीरियड में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूछ सकता है पहला मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ है, तो हम लोग बता सकते हैं कि पहला मंगोल आक्रमण जो है वो बहराम शाह के टाइम पीरियड में हुआ है, ताइर बहादुर ने किया है। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ है, 7 बार हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अंतिम बार मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ है, और दूसरी चीज जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तैमूर खान या तैमूरलंग के नाम से जानते हैं, जितने भी मंगोल आक्रमण के एक तरीके से कहे कि खूंखार या शक्तिशाली शासक रहे हैं या उन नेता रहे कबीले, क्योंकि मंगोल कबीलों में बटा हुआ था, कबीलों के नियंत्रण में आक्रमण जो हो रहे हैं वो किसका ज्यादा विध्वंसक रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। कौन किस किस मोस्टली तैमूर खां का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ज्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट ये रही है कि बहराम शाह के टाइम पीरियड से ही अब हम देखेंगे कि बलबन का उदय कैसा हो रहा है। ठीक है, बलबन इससे पहले एक गुलाम था, ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन, अपने कामों से कैसे वो ऊपर उठता आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो बलबन को इस टाइम में हांसी और रेवड़ी की जागीर मिल गई है। ठीक है, रेवड़ी की जागीर मिली है, ये गवर्नर के उस पे है, सूबेदार का। अब यहाँ से हम लोग इसलिए बलबन को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शक्तिशाली शासक बनेगा वो बलबन है, तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहराम शाह के ही टाइम पीरियड से ही बलबन का उदय हो रहा है। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि रजिया के विरुद्ध जो 40 अमीरों का गुट था उसमें एक बलबन भी खुद था, रजिया के विरोध में शामिल होने वाला। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो रजिया के टाइम से ही बलबन इस क्षेत्र में एक्टिव था, और रजिया के विरोध में 40 अमीरों के जो गुट थे उसमें बलबन स्वयं भी एक अमीर था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शासक बन रहा है, यहाँ पे नोट नहीं किया गया है, आई जस्ट इरेज दिस, ये टाइम पीरियड हम देख रहे हैं, यहाँ 1236 से 1240 और 1240 से 1242, 1242 से 1246 है, बीच का जो टाइम पीरियड है वो ये चीज है, 1242 से 1246, ये टाइम पीरियड जो है वो अलाउद्दीन मसूद शाह का है। ठीक, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ लेकिन मैं फिर भी अलग से इधर बता रही हूँ, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड छोटा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अलाउद्दीन मसूद शाह है कौन, ये इंपॉर्टेंट जानना है। हमने यहाँ पे ये बात किया कि रजिया को गद्दी पे बैठाने से पहले और इल्तुतमिश के शासन के बाद रुकबुद्दीन फिरोज का शासन था। ठीक है, रुकबुद्दीन फिरोज का शासन था, उसकी माँ शाह तुर्काना ने उसको दिल्ली की गद्दी पे बैठाया था और खुद को उसकी संरक्षिका घोषित की थी। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है
ये उसी रुकबुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि रुकबुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र है अलाउद्दीन मसूद साहब। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इसको 40 अमीरों ने ही बनाया था, 40 अमीरों को, जैसे हम लोग उत्तर मुगल की बात करते हैं, लेटर मुगल फेस की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग देखें किंग मेकर्स होते हैं, ठीक है, किंग मेकर्स उस टाइम होते थे ना, सैयद बंधु होते थे, फिर जो हम लोग देखेंगे कि ईरानी वर्ग हो गया, तुरानी वर्ग हो गया, हिंदुस्तानी वर्ग हो गया, ये सुल्तान बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल बता रहे थे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में ये चीज़ हमें देखना है कि जो 40 अमीरों का गुट है, ठीक है, तुर्कानी चहलगानी, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से ये किंग मेकर हुआ करते थे, ठीक है, ये इन्हीं के ही कंट्रोल में पूरा एम्पायर चला करता था, और किस चीज़ का कौन सा एडमिशन कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, किस पे कंट्रोल करना है, किसको लूप छोड़ना है, कौन सी जनता के लिए कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने, कितने टैक्स लगाने हैं, ऑल ओवर जितने भी कंट्रोल होंगे, ठीक है, तो ये 40 अमीर करते थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को इन्हीं 40 अमीरों के सानिध्य में शासक बनाया गया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक। अब अलाउद्दीन मसूद शाह क्या किए कि ये तो बना दिए शासक, सबसे बड़ी बात तो अगर हमारी कोई हेल्प करता है, अगर एक तरीके से कोई किसी पर्सन को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो उस पर्सन का पूरा दायित्व तो ये हो जाएगा कि वो प्राइम, जिसने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, तो जिसने भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है वो सब कुछ उसी के फेवर में छोड़ देगा, वो एक नाम मात्र का बन जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि सब कुछ इन्हीं के बदौलत मिला है। तो ऐसे ही माइंडसेट हो गया अलाउद्दीन मसूद शाह का कि इनको ये लगा कि इनको जो 40 अमीरों ने बनाया है सारा श्रेय इन्हीं को है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इन 40 अमीरों ने इनको शासक बनाने के पीछे अपने प्रॉफिट रखे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस एम्पायर का वो इन्हीं 40 अमीरों के हाथ में है, वही इसको चला रहे हैं, टैक्स कितना वसूलना है ये इनके हाथ में है, कितना उसको जनता पे व्यय करना है वो इनके हाथ में है, किस किस एरिया में टैक्स बढ़ाना है वो इनके हाथ में है, तो कुल मिला के सारा प्रॉफिट 40 अमीरों के हाथ में है। अलाउद्दीन मसूद शाह ने क्या किया कि अपना बस नाम मात्र का सुल्तान बना, ठीक है, उसने सारा शासन जो है वो इन्हीं 40 अमीरों को छोड़ दिया है। ये चीज़ ध्यान रखिए, इन 40 अमीरों की जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में हाई लेवल के पोस्ट होते थे वो इन्हीं 40 अमीरों के सदस्यों को रखे जाते थे, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब इसके टाइम पीरियड में हम लोग बलबन की बात कर लें, तो अमीर हाजिब के पद पर पहुँच गया अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड में, अमीर अमीरे हाजिब बन गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। अब अमीरे हाजिब बन गया, इसकी पावर पहले से और बढ़ गई। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इसने अपने सिक्कों पे अल मुस्तसीम बिल्लाह स्थापित कराया था। सिक्कों पे कौन क्या छपवा रहा है ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि सिक्कों से क्वेश्चन पूछता है और सिक्कों से ही उस पर्सन की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी भी बहुत सारे आप अगर मतलब किसी गोल्ड स्मिथ के यहाँ जाएंगे तो उसके जो पुराने अगर वो सिक्के कलेक्ट करता होगा तो उसमें आपको बहुत सारे विक्टोरियन एज के सिक्के मिलेंगे, हालांकि म्यूजियम में आपको मुगल और दिल्ली सल्तनत के सिक्के मिलेंगे लेकिन विक्टोरियन एज के जो सिक्के हैं मोस्टली वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। मुस्तसीम, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिल्ला बिल्ला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है इसके टाइम पीरियड में, इस समय आप देखेंगे कि जो मलिक इजुद्दीन किसलू खां है ये मतलब अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है और इसके महल पे अधिकार कर लेता है। बाद में आप देखेंगे कि किसलू खां को बागौर का इक्ता देके संतुष्ट कर दिया जाता है, ये अमीरों की चाल थी ताकि इससे
अलाउद्दीन मसूद शाह पे पूरा नियंत्रण बना रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार क्या है कि कुछ कंडीशन क्रिएट की जाती है, ठीक है, ताकि जो सुल्तान है उस पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। ठीक, ये कंडीशन क्रिएट करने की बात अगर हम लोग कहेंगे तो एग्जांपल में हम ये बता दें कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानपुर घटना फेमस है, वो याद है, वो किया था, ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक क्रिएट की गई थी। चलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।